अल्मोड़ा के गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान में भारत रत्न पंत की 135वीं जयंती पर जलवायु परिवर्तन के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल और सांसद अजय टमटा सहित वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने शिरकत की। इस संगोष्ठी में हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के चलते खतरे की रोकथाम करने पर बल दिया गया है। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि जिस तरह से वैज्ञानिक अध्ययन से पता चल रहा है हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर खिसक रहे हैं और जल स्तर घट रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में खतरा उत्पन्न हो रहा है और इन खतरों से मानवता को बचाने के लिए सरकार शोध संस्थानों को मिलकर इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। संस्थान के निदेशक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक ज्वलंत मुद्दा है, इसके परिणाम की रोकथाम के लिए हिमालय परिस्थितियों में लचीलापन लाने की आवश्यकता है और वहाँ माइक्रो प्लानिंग के जरिए सामाजिक जीवन की सुरक्षा देनी होगी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हाँ, क्लाइमेट चेंज का तो मुद्दा बड़ा ज्वलंत है और हमारा हिमालय बहुत ही संवेदनशील है। बात यह है कि क्लाइमेट चेंज होगा, मतलब जो हम संसाधनों को यूज़ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसी का प्रभाव है, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं उसको कम कैसे किया जाए, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और वो प्रभाव कम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत सारे प्रकार हैं। वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, ग्लेशियर्स पीछे खिसक रहे हैं, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं दुनिया को जिस तरह से पिछले 2000 वर्षों में जो मुझे आज सुनने को मिला यहाँ पर वैज्ञानिकों से, लगातार जिस तरह ग्लेशियर लगातार पीछे लगातार खिसक रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंतित।